नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। वेलमैटिक हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से पटना में देव और दवा का कार्यक्रम करवाया गया। जी हां, आपको बता दें कि वेलमैटिक हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का काफी ज्यादा सहयोग इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में रहा है। जी हां, ये भी बता दें कि वेलमैटिक हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के CMD मुस्तफा हुसैन ने जो भी देव और दिवा के विनर्स हैं या फिर जितने भी मॉडल्स हैं उनको एक काफी अच्छा मौका दिया है। बता दें कि देव एंड दिवा के ऑडिशन में भी वेलमैटिक हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के CMD मुस्तफा हुसैन ने स्टेज पर से ये अनाउंसमेंट की थी कि जो भी इसके विनर होंगे हम उनको अपने प्रोडक्ट के एड में काम करवाएंगे, उनको मौका देंगे कि वो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट के एड में उनका वीडियो हो, वो हमारे साथ काम करे। जी हां, बता दें कि देव और दिवा का जो कार्यक्रम है वो पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में कराया गया था, जिनकी विनर्स हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है, शिवानी। जी हां, बता दें कि जो शिवानी है वो देव एंड दिवा की विनर है और ये आज हमारे स्टूडियो आई है। आज इनसे खास बातचीत करेंगे और इनकी जो भी एक्सपीरियंस रही है वो जानने की कोशिश करेंगे। कैसे मॉडलिंग में आगे बढ़ेंगी, क्या नाम करेंगी, बिहार से बिलोंग करती है, कहां तक जाएंगी, आइए सब कुछ हम शिवानी से जानते हैं। शिवानी, सबसे पहले तो आपका बहुत सारा वेलकम। थैंक यू। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूं मैं। देव एंड दवा की विनर हैं आप। जब ऐसा विनर का टैग लगा सर पे, ताज लगा सर पे, तो कैसा फील हुआ था? मतलब उस वक्त तो कुछ अचानक सब कुछ हो गया, मतलब पता ही नहीं चला कि हाँ मैं सच में विनर हूँ। मतलब ऐसा ड्रीम, मतलब हाँ यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि होता है ना कि मतलब मुझे लगा कि शायद ये मेरे साथ बेटर हो, ऐसा होता है ना कि फीलिंग आता कि अच्छा करती है, वो भी अच्छा करती है। बहुत कंपटीशन हो गए थे तो पता नहीं चला, लेकिन जब नाम अनाउंस हुआ तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब यकीन हुआ कि हाँ ये शिवानी मेरा ही नाम है और मैं ही विनर हूँ। हाँ, शिवानी, वेलमैटिक हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने इस कार्यक्रम को काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया, एक काफ़ी बड़ा हेल्प रहा है जिसकी वजह से ये जो कार्यक्रम है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। क्या आप ऑडिशन में मौजूद थी? हाँ, मैं थी। उस वक्त यहाँ के CMD भी वहाँ पर मौजूद थे, तो क्या आप बता सकती हैं कि क्या सुनहरा मौका आपको दिया गया है इस कंपनी के द्वारा? ये मतलब सबके, मतलब वो जो वहाँ के जो यहाँ के CMD हैं वो मुस्तफ़ा सर, वो बहुत मतलब सपोर्टिव हैं। वो उन्होंने कहा कि सबको धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी, जो जो यहाँ के जो टैलेंटेड बच्चे हैं, मतलब बिहार को भी आगे मौका मिलते रहना चाहिए। तो वो बहुत सपोर्टिव इंसान है, तो उनके मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी। और उन्होंने मुझे भी मौका दिया है और मुझे भी आगे मौका देते रहेंगे, इसलिए मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रिया अदा मैं उन्हें करती हूँ बहुत ज़्यादा। शिवानी, अब आप ये बताइए कि क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका ये पूरे ग्रूमिंग डे के दौरान? ऐसा आपको जब ग्रूम किया जा रहा था, जब आपको सिखाया जा रहा था, क्या फील किया आपने उस पर? कॉम्पिटिशन था क्या? बहुत, मतलब जब मैं फर्स्ट डे क्लास में गई तो देखा मैंने कि हाँ सब मतलब अच्छे अच्छे लोग आए हुए हैं, मतलब सिलेक्ट हो गया एकदम। मैम लोग जब इंट्री ली तो वो बोली कि बहुत कम टाइम है हम लोग के पास, तो सीरियस हो गए बहुत अच्छे से। मतलब हम लोग का हर गलती, एक एक छोटा मोटा गलती भी बहुत अच्छे से बताती थी प्राची मैम, रोहित सर, राहुल सर, मतलब बहुत बहुत सपोर्टिव है वो लोग। मतलब एक एक गलती, मतलब होता ना कि हाँ वो लोग बैठे नहीं रहते थे, मतलब होता ना कि हाँ अगर बता दिए तो बैठ जाते, नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब एक्टिव, हमेशा एक्टिव रहते थे सर लोग कि कम टाइम में अच्छे से करो, अच्छे से करो। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा था। मॉडलिंग एकदम अलग लाइन है, इसको कैसे चूज कर लिया आपने? मेरा बहुत, जैसे मैं ऐसा डांस मैं करती हूँ ज़्यादा, तो मैं डांस ज़्यादा पसंद, हाँ वो था मेरा। मॉडलिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, देखते दूसरों करते हुए तो मतलब था यार मैं भी करूँ, यार मैं भी करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता था ये। तो इस बार ये मनवीर सर, उन्होंने मतलब ऑर्गेनाइज़ किया ये शो, और हम लोग के लिए, हम जैसे लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म देना कॉलेज के तरफ से, मतलब बहुत मतलब अच्छा लगा। चलो इस बार मौका मिला है तो करते हैं तो किया, तो पता नहीं था कि जीत जाऊंगी। तो देव और दिवा के कार्यक्रम से कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने का मौका मिला और आपको पता नहीं था कि आप जीत जाएंगी, बट आप विनर हो गई। हाँ बिल्कुल भी, मतलब खबर ही नहीं था, बट अच्छा लगा। मतलब मैं
मुस्तफ़ा हुसैन सर को और मनमीत सर को, दोनों को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो लोग हैं तो मैं यहाँ तक आई हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। यानी आप इन दोनों को थैंक यू बोलना चाहेंगे, उन लोगों के सपोर्ट से आप यहाँ से? हाँ हाँ, और बहुत लोग का सपोर्ट ऐसा नहीं है, बहुत लोग टीचर्स हो गए, बहुत लोग हैं, तो सबके लिए। शिवानी, फैमिली वालों का कितना सपोर्ट रहा है आपके साथ? फैमिली के बात करें तो मेरी मम्मा काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है और हर चीज़ में सपोर्ट करती है। पापा थोड़े बहुत हो जाते हैं कि हाँ लड़की है कैसे उसे, हाँ, बट जब मैं वहाँ जीती तो मेरे पापा भी बहुत प्राउड फील किए कि हाँ मेरी बेटी अब तो, फिर मम्मी को बोलते हैं अब शिवानी को हम नहीं रोकेंगे, जो करना है करने दो, तो बस यही है। शिवानी, अब तो आप विनर हो गई हैं, बिहार में रह रही हैं, आगे का क्या प्लान है आपका? अभी तो बिहार में ही है, अभी हाँ अभी बिहार में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, क्या करती हैं? अभी मैं साइकोलॉजी ऑनर्स लेके पढ़ रही हूँ, पार्ट वन आरकेडी कॉलेज से। ग्रेजुएशन? हाँ, फर्स्ट ईयर में। आरकेडी कॉलेज में स्टूडेंट हैं आप। शिवानी, आगे की क्या प्लान है, बिहार छोड़कर जाना चाहेंगे? अभी तो नहीं है, अभी बिहार से स्टार्टअप किया तो ऐसे कैसे छोड़ दूँ बिहार को। हाँ शिवानी, तो आगे क्या बॉलीवुड में जाना चाहती हैं? ऐसा है, लेकिन अभी 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 इसी को बिहार से, बिहार का पहले नाम होने दो। हाँ बस उसके मतलब पहले बिहार को प्रेजेंट करते हैं। हाँ। बिहार को आगे बढ़ाते तब आगे बाद, उसके बाद आगे का सोचूंगी मैं। शिवानी, बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में तो अच्छे से जानती हूँ। हाँ, क्या मतलब अगर आप वहाँ जाती हैं, आप बिहार से बिलोंग करती हैं, बिहारियों के बारे में कहीं ना कहीं गलत थॉट होती है लोगों की, तो वैसे लोगों को क्या बोलना चाहिए? बस यही है कि बिहारी नाम सुन के सब जज कर लेते हैं, यार ये तो बिहारी है, यार इसको कुछ नहीं आता होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बिहार आओ पता चलेगा यहाँ पर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। कूट कूट के टैलेंट है, बस देखने और ढूंढने का, बस नजरिया सबका अपना अपना बन चुका है, तो नजरिया को थोड़ा चेंज करके अगर देखा जाए तो बिहार में टैलेंट की कुछ भी कमी नहीं है, कुछ भी नहीं, टैलेंट भरे पड़े बहुत। शिवानी, आप अपने लाइफस्टाइल में सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद करती हैं? मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है। एनिमल्स? हाँ, मुझे कहीं भी डॉग्स वगैरह कहीं भी कुछ देखते हैं तो मैं एकदम ऐसे टच करने, मम्मी बोलती है मत करो काट वाट लेगा, ऐसे टाइप का, मतलब कि एनिमल लवर ज़्यादा मैं हूँ, मुझे बहुत पसंद है एनिमल। और क्या, जैसे आप कैसे रहना पसंद करती हैं, क्या खाना, मेकअप एंड ऑल, लोग जानना चाहेंगे तो ज़रूर शेयर करें, आप देव एंड दवा की विनर। ऐसे मैं बहुत फूडी हूँ, हाँ मैं खाती हूँ, मेरी दीदी बोलती है तुम खाती हो फिर भी नहीं मोटी, हाँ मोटी नहीं, डाइटिंग डाइटिंग मतलब उतना नहीं करते क्योंकि तो स्टार्टअप है, क्या मतलब बॉडी ऐसी है मेरी, ये गॉड गिफ्टेड है, फूडी होकर भी वेट नहीं बढ़ना है, ये गॉड गॉड मतलब कि डांस वांस करते हैं ना तो मतलब वो मेंटेन होता रहता है, होता रहता है। हाँ, तो यानी आप लाइफस्टाइल में क्या ज़्यादा पहनना, कैरी करना पसंद करती हैं? ज़्यादा मैं वेस्टर्न ज़्यादा पहनती हूँ क्योंकि ट्रेडिशनल मतलब उतना मतलब था सूट, बहुत लोग बोलते हैं यार तुम ट्रेडिशनल मत पहनो, सूट नहीं करता तुम पे, बहुत लोग बोलते करता है, तो मतलब कभी कभी पहनती हूँ, ज़्यादा तारीफ मिलता है ट्रेडिशनल पे, इसलिए कभी कभी पहनती हूँ। अब तो आप विनर हैं, तो क्या अब आपको खुशी हो रही है? फैमिली वाले ने तो फुल सपोर्ट किया, आपने बताया कि माँ का सपोर्ट रहा है, पापा थोड़ा बहुत हिचकिचाए बट जब उन्हें पता चला कि आप विनर हैं तो नॉर्मल हो गए हैं, तो अब आप क्या करना चाहेंगे? अब बस आगे धीरे धीरे माँ का, हाँ बिल्कुल, जहाँ जाऊँगी वहाँ बिहार का नाम सबसे आगे होना चाहिए क्योंकि मैं बिहारी हूँ और मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि हाँ मैं बिहारी हूँ। देव एंड दिवा की विनर हो गई हैं, तो अब जो भी आपकी प्लानिंग है वो आगे की चलती ही रहेगी और आप बिहार से बिलोंग करती हैं तो बिहार को आगे करेंगे जैसा कि आपने बताया है। अब आप शिवानी ये बताइए कि जो कंपटीशन था वहाँ पर, और कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि अनफेयर रिजल्ट्स होते हैं, स्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स होते हैं, इस पर क्या बोलेंगे? ये बिल्कुल भी मतलब पता है बहुत लोग जो बोलते हैं ये बिल्कुल भी गलत नहीं, मतलब होता है ना कि हाँ पैसा दे दिया होगा ऐसा कुछ, ऐसा हाँ जीत गई, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ऑडिशन में जाओ, ऑडिशन में भी गए थी तो मुझे भी ऐसा लगा था, ऐसा नहीं है मैं भी थी, मुझे भी लगा, लेकिन जब मैंने किया, जब मैं जीती, मुझे लगा यार मैं जीतूँगी या नहीं, कुछ अनफेयर वगैरह कुछ नहीं है, कुछ नहीं, आप मेहनत करोगे आप जीतोगे, बस यही है। मैं रात रात तक सोती नहीं थी, मेरी मम्मी बोलती थी कि सो के नहीं रही हो, बोले मम्मी बहुत होता है ना कि हाँ करना है जीतना है, मम्मी मम्मी देखिए आओ मेरे पास, मम्मी फिर अपने पास मुझे सुलाती थी तो फिर जाके मुझे नींद आता था, मतलब बहुत मैंने भी मेहनत किया, मेरे टीचर्स ने भी बहुत मेहनत किया है। टॉप 16 फाइनलिस्ट थे वहाँ, यस हाँ, तो टॉप 16 में क्या आप अपने आप को डिजर्विंग मानती थी, आपको लगता था कि आप विनर हो जाएंगी?
हाँ, क्योंकि मैंने मेहनत की है, मुझे लगता था कि मैं जीतूंगी, मतलब मुझे था कि हाँ मुझे जीतना है, मैंने उतना मेहनत किया है कि हाँ मैं जीतूँ, ऐसे भी नहीं है। मेरे और भी फ्रेंड लोग थे, उन्होंने बहुत मेहनत किया है और वो लोग भी मतलब रनर अप आई हैं, तो मुझे भी अच्छा लगा। शिवानी, आखिरी सवाल आपसे, जाते जाते क्या बोलना चाहेंगी लोगों को और बिहार की लड़कियों को जो करने में तो इंटरेस्ट रखती है बट कहीं ना कहीं किसी चीज़ से हिचकिचा के पीछे रह जाती है? मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि अगर जब भी कुछ भी करने का मन करे कर लो, कभी रुको मत। जैसे कि होता है ना, मैं रुकती थी कि यार नहीं, कैसे बोलूँगी, कैसे जाकर करूँगी, लेकिन मैंने एक कदम बढ़ाया आगे तो आज मैं यहाँ हूँ। तो आप लोग भी हो सकते हो यहाँ, अब जैसे मैं यहाँ हूँ आप भी हो सकते हो, तो प्लीज़ कभी हिचकिचाओ मत। और फैमिली की बात करें तो फैमिली सपोर्ट करेगी, जब आपका अचीवमेंट वो देखेंगी तो वो ज़रूर करेंगी। लोग लड़कियों को जज कर लेते हैं और ख़ास कर ये एक्टिंग मॉडलिंग वाले सेक्टर में तो और भी ज़्यादा, वैसे लोगों की मेंटालिटी को क्या बोलना? वो बोलेंगे कि बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, क्योंकि आप जब उस मुकाम पे पहुंच जाओगे ना तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, अभी पीठ पीछे बस सब बोलते हैं, सामने आएंगे तो सबका मुंह बंद हो जाता है। हाँ शिवानी, तो आपने इतनी अच्छी बातें बताई हैं लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए, हमेशा कहती रहेंगी कि हर मुकाम पर जाओ, जिस फील्ड में रहो उस फील्ड में लड़की राम रोशन, बस अपना बेस्ट करो, मतलब जितना भी बेस्ट कर सकते हो करो, बस अपना दो, किसी का मत देखो कि कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि किसी दूसरे का इंसान का सुनोगे ना तो डीमोटिवेट हो जाओगे। इसीलिए शिवानी, आखिरी सवाल होगा आपसे कि आप वेल मैटिक हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की CMD मुस्तफ़ा हुसैन को क्या बोलना चाहेंगे? मैं उन्हें ये बोलना चाहूँगी कि वो बिहार से हैं और वो बिहार, मतलब बिहार के जो लोग होते हैं उन्हें वो बहुत सपोर्ट करते हैं। वो बोलते भी हैं कि अगर मेरे बिहार में इतना सारा टैलेंट है तो मैं बाहर क्यों जाऊं? अपने प्रोडक्ट का ऐड करवाने के लिए उन्होंने मुझे भी ऑफर दिया है, मुझे भी सेलेक्ट किया है। और धीरे वो सबको करेंगे, ऐसा बात नहीं है, वो जिनको देखेंगे जो अच्छा कर रहा है वो ज़रूर सपोर्ट करेंगे। इसलिए थैंक यू। चलिए शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शिवानी है देव और दवा की विनर है, वेल मैटिक हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सहयोग से अलवेला इवेंट्स द्वारा पटना में देव और दवा का फंक्शन ऑर्गेनाइज कराया गया था, जिसमें तमाम बिहार के लड़के लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था और अपने हुस्न और खूबसूरती का जलवा दिखाया था, जिससे कि शिवानी विनर रही है। शिवानी को क्राउन के साथ, टैग के साथ 50,000 का कैश प्राइज। हाँ, कैसा लगा वो 50,000 का कैश प्राइज, खुद का विनर का वो कैश प्राइज लेकर? बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब कि बहुत कुछ। क्या किया उस 50,000 का शिवानी जो जीती है आप? अभी तो मैं अभी फैमिली के साथ वैष्णो देवी जाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं जीतूंगी तो मैं जाऊंगी जरूर माँ के दर्शन करने। यानी कहीं ना कहीं ये मन्नत थी आपकी, अगर मैं विनर हो गई तो मैं वैष्णो माता के पास जाऊंगी? हाँ, मतलब ये भी था, मतलब पहले से प्लान भी था फैमिली का, तो मैंने ये भी थोड़ा जोड़ दिया अपना। तो क्या उस 50,000 में शॉपिंग 5,000 की भी नहीं होगी? नहीं, ऐसा बात नहीं है। होगी शॉपिंग, है ना? शॉपिंग तो लड़कियों की वो तो होता ही है, हर मंथली तो होना ही होना है। तो मैं आपको बता दूं कि शिवानी हमारे साथ मौजूद थी, आज इनके साथ हमारे स्टूडियो में खास बातचीत हुई है, इनके लाइफ के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, देव एंड दवा में गई कंपटीशन के बारे में। तो वहीं बता दें कि देव और दवा का जो फंक्शन था वो पटना में ऑर्गेनाइज कराया गया वेल मैटिक हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सहयोग के साथ, अलबेला इवेंट्स के साथ जो ये फंक्शन है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, ऑर्गेनाइज कराया गया। वेल मैटिक हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के CMD मुस्तफ़ा हुसैन ने कहा था, ऑडिशन में ही कहा था कि जो भी विनर होंगे हम उनको अपने ऐड में काम करने का मौका देंगे। शिवानी ने भी बताया कि इनको भी उनके कंपनी के द्वारा उनके ऐड में काम करने का मौका मिला है। वैसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24।